हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। प्राथमिक शिक्षक पर जानलेवा हमले से खपा लोग, लगाए जाम। स्कूल के निरीक्षण के दौरान मास्टर बनकर डीएम ने पढ़ाया। मिड डे मील वितरण के दौरान एससी बच्चों के बर्तन न धोने से दो रसोइये बर्खास्त। स्कूल में अनुसूचित जाति के बच्चों के अलग रखे जा रहे थे बर्तन, प्रधानाध्यापक निलंबित। प्रतापगढ़ के शिक्षक के अध्यापन का अनोखा तरीका। 7 दिन के अंदर स्पष्टीकरण न देने पर होगी सेवा समाप्त। बेसिक स्कूल में बीते 38 महीने से अनुपस्थित चल रही शिक्षिका निलंबित। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हां दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। महोबा कस्बा जैतपुर के बजरिया मोहल्ला निवासी शिक्षक पर 5 दिन पहले जानलेवा हमले से खपा परिजनों व ग्रामीणों ने गुरुवार को नौगांव कुलपहाड़ मार्ग पर जाम लगाया। 4 घंटे तक लगे जाम के दौरान आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में एसडीएम व सीओ ने परिजनों को कार्रवाई का भरोसा देकर जाम खुलवाया। बजरिया मोहल्ला निवासी वैभव श्रीवास प्राथमिक विद्यालय सीगौन में शिक्षक के पद पर तैनात हैं। 15 दिन पहले उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी। 18 सितंबर की शाम वह बाइक से घर लौट रहे थे। जैतपुर कुलपहाड़ मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया था। सिर में गंभीर चोटें आने पर परिजन जिला अस्पताल ले गए, वहां से डॉक्टरों ने झांसी रेफर कर दिया। बाद में परिजन वेदांता गुरुग्राम ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। बुधवार की रात परिजन वैभव को घर ले आए और ऑक्सीजन लगाकर घर पर ही सेवा करने लगे। शिक्षक पर जानलेवा हमला करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर परिजन व ग्रामीण भड़क गए और कुलपहाड़ नौगांव मार्ग बजरिया के पास जाम लगा दिया। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक जाम लगा रहा। सूचना पर अजनर पनवाड़ी चरखारी व कुलपहाड़ थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। बाद में सीओ सिटी राम प्रवेश राय, सीओ चरखारी उमेश चंद्र, एसडीएम कुलपहाड़ राकेश कुमार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटना की तहरीर देने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। तब 4 घंटे बाद जाम खुल सका। पीलीभीत आईएएस पुलकित खरे ने डीएम बनकर नहीं बल्कि एक साधारण शिक्षक की तरह बच्चों के क्लासरूम में जाकर उनके मन की बात जानी। बच्चों के बीच बैठकर बच्चों से बातें की, साथ ही ब्लैक बोर्ड पर सवाल देकर बच्चों से हल कराए। एक छात्रा से बीजगणित के सवाल को चुटकी में हल किया तो ताली बजाकर शाबाशी दी। डीएम के इस अंदाज की प्रशंसा हो रही है, हालांकि शिक्षक बेचैन रहे। मिशन कायाकल्प में औचक निरीक्षण करने निकले डीएम को 3 शहरी क्षेत्र के स्कूल बंद भी मिले। एक जगह कायाकल्प का काम बंद मिला। डीएम ने गांधी स्टेडियम रोड पर स्थित बीज गोदाम के सामने प्राथमिक उच्च प्राथमिक देशनगर तखान व उच्च प्राथमिक विद्यालय चौकी मनसा सिंह आदि स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। मनसा सिंह स्कूल में शिक्षिका मंजू सिंह व शिक्षा मित्र आरती अवकाश पर थीं। देशनगर में कायाकल्प का काम बंद मिलने पर ईओ निर्देशित किया। मनसा चौकी में हाथ धोने की व्यवस्था बेहतर न होने पर प्रधानाध्यापक से नाराजगी जताई। प्रत्येक बिंदु पर सवाल जवाब किए। डीएम के सवालों का रिया मोनिका मोहित गणित व उपासना राय कुमार कीर्ति ने सही जवाब दिया। अलमारी में ना बंद रखे खेल सामग्री। स्कूलों में बच्चों के लिए खेल सामग्री आती है, पर अधिकांश स्कूलों में खेल सामग्री अलमारी में बंद रहती है। इस पर डीएम ने शिक्षकों को सख्त निर्देश दिए कि खेल सामग्री बच्चों के बीच शेयर की जाए, न कि अलमारी में रखी जाए। मैनपुरी मिड डे मील वितरण के दौरान अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं से भेदभाव करने वाली 2 रसोइयां बर्खास्त कर दी गईं। इस मामले में लापरवाही बरतने पर प्रधानाध्यापक को भी निलंबित कर दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने पूरे मामले की रिपोर्ट डीएम को भेजी है। बेवर ब्लॉक के प्रसिद्ध विद्यालय दौदापुर में अनुसूचित जाति के बच्चों के खाने के बर्तन अलग रखे जा रहे थे। LIU ने भी इस मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने CDO को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। मैनपुरी विकासखंड बेवर के प्राथमिक विद्यालय दौदापुर के छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव किया जा रहा था। यहां अनुसूचित जाति के बच्चों के बर्तन अलग रखे जा रहे थे। गांव की प्रधान के पति की शिकायत पर CDO ने स्कूल पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने दोनों रसोइयों को बर्खास्त करते हुए प्रधानाध्यापक को उनके कर्तव्य में लापरवाही पर निलंबित कर दिया। BSA ने प्रधानाध्यापक को MDM की खराब गुणवत्ता पर फटकार लगाई। वहीं इस मामले का शुक्रवार को वीडियो भी वायरल हुआ। अनुसूचित जाति के बच्चों के बर्तन जहां उनके पास कक्षाओं में रखे जाते थे, वहीं अन्य जाति के बच्चों के बर्तन रसोई में रखे जाते थे। 2 दिन पहले गांव की प्रधान मंजू देवी के पति साहब सिंह स्कूल पहुंचे तो यहां उनसे शिकायत की गई। तब उन्होंने ऐसा ना करने की चेतावनी रसोइयों को दी थी। फिर भी सुधार न होने पर उन्होंने BSA से शिकायत की। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। विमल इंदु की विशाल करणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनाद तेरे अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। इस तरह कविताओं के जरिए कंपोजिट विद्यालय मानधाता के शिक्षक अखिलेश पांडे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनके पठन पाठन का रोचक तरीका विद्यार्थियों को भाता है। वह मन से पढ़ते हैं और समझते हैं। 2 राज्य स्तरीय पुरस्कार मिल चुके हैं अखिलेश को। शिक्षक अखिलेश गीतों के जरिए कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं।
कक्षा 5 की हिंदी वाटिका की पुस्तक में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित विमल इंदु की विशाल करणी प्रकाश तेरा बता रही है को गीतों के माध्यम से पढ़ाते हैं। पढ़कर बच्चे आनंदित हो उठते हैं। कक्षा के बच्चे पूरे मनोयोग से उनका साथ देते हैं। कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वाटिका से अन्य रचनाओं में कामायनी, महाकाव्य, चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली को भी वह कविताओं के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। स्कूल में बच्चों ने संस्कृत के श्लोकों को भी कंठस्थ कर लिया है, वह भी गीतों के माध्यम से। शिक्षक अखिलेश को ऐसे ही प्रयोगों के चलते 2 राज्य स्तरीय पुरस्कार मिल चुके हैं। कहानी सुनाओ प्रतियोगिता 2020 और काव्य गायन प्रतियोगिता 2019 में राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला था। मास्टर साहब हम लोग को पढ़ाते हैं तो हम बड़े उत्साह के साथ पढ़ते हैं। वह जब गाने गाकर पढ़ाते हैं तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। सपना कक्षा 5। हम सभी को पांडे सर के पढ़ाने का इंतजार रहता है। उनके कक्षा में आने पर हम सभी खुश हो जाते हैं। पढ़ाने का तरीका अत्यंत रोचक और सरल रहता है। आदर्श पटेल कक्षा 5। क्या कहते हैं अभिभावक? शिक्षक अखिलेश के पढ़ाने की शैली इतनी सरल है कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाता है और उन्हें कविताएं कंठस्थ हो जाती हैं। अंजनी कुमार पटेल अभिभावक। मैंने स्वयं गुरुजी को पढ़ाते हुए देखा है। जब वह पढ़ाते हैं तो उसी में डूब जाते हैं। यही कारण है कि बच्चे उनकी कक्षा में बड़े ही मनोयोग से उन्हें सुनते हैं। विकासखंड सिकंदरा राव की प्राथमिक विद्यालय डंडेसरी में तैनात शिक्षक दीपक गुप्ता द्वारा अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। इसे लेकर अब विभाग द्वारा उनको अंतिम नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में 5 दिन के अंदर उनको कार्यभार ग्रहण करने और 7 दिन के अंदर स्पष्टीकरण न देने पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई किए जाने की बात की गई है। सिकंदरा राव ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय डंडेसरी के सहायक अध्यापक दीपक गुप्ता निवासी मोहन कोल डिपो मधुगढ़ी हाथरस को 3 मार्च 2021 से अद्यतन पदस्थापित किए गए विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने एवं निलंबन अवधि में अपनी अनुपस्थिति के संबंध में मैं साक्ष्यों की अपना स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान स्थिति से स्पष्ट है कि दीपक गुप्ता द्वारा निलंबन अवधि में कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी सिकंदरा राव में एवं बहाली के उपरांत भी 3 मार्च 2021 से अब तक डंडेसरी में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, जो कि उच्च अधिकारी और नियुक्त प्राधिकारी के आदेशों की निरंतर अवहेलना है। यह कृत अनुशासनहीनता का परिचायक है। ऐसी स्थिति में विभाग की सेवा से बर्खास्त किए जाने की बात कही है। बीएससी साहिन ने बताया कि दीपक गुप्ता को अंतिम अवसर देते हुए आदेशित किया गया है कि प्राथमिक विद्यालय डंडेसरी में 5 दिन में कार्यभार ग्रहण करें और 3 मार्च 2021 से अब तक पदस्थापित किए गए विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने और निलंबन अवधि में अनुपस्थित के संबंध में मैं साक्ष्यों के साथ 7 दिन में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएं, अन्यथा यह समझा जाएगा कि दीपक गुप्ता विभाग में सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, उनके खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। औरैया ADBC कानपुर मंडल राजेश शाही ने शुक्रवार को औरैया ब्लॉक के कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। उन्हें जैतापुर इंग्लिश मीडियम स्कूल की शिक्षिका के 38 महीने से अनुपस्थित होने की जानकारी मिली। अन्य स्कूल में एक शिक्षक के शैक्षणिक कार्य में लापरवाही बरतते मिला। ADBASIC के निर्देश पर BSA ने दोनों को निलंबित कर दिया। ADBASIC ने इंग्लिश मीडियम स्कूल जैतापुर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय जैतापुर, प्राथमिक विद्यालय कखावतू, सुरान व भावपुर का निरीक्षण किया। इंग्लिश मीडियम स्कूल जैतापुर की शिक्षिका अनुपम यादव 38 महीने से अनुपस्थित मिले। ADBASIC ने नाराजगी जताते हुए प्रधानाध्यापक विशाल पुरवाल से अनुपम के संबंध में जानकारी की। प्रधानाध्यापक ने तमाम पत्र दिखाते हुए बताया कि उच्च अधिकारियों से शिकायत कई बार हो चुके हैं लेकिन उन्होंने अब तक कार्रवाई नहीं की। बताया कि शिक्षिका के पति रवि यादव अछंदा ब्लॉक में शिक्षक हैं जो दबाव बनाकर परेशान भी करते हैं। ADBASIC ने शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा कायाकल्प कार्यों का निरीक्षण और मिशन प्रेरणा के कार्य देखे। उपस्थित छात्र उपस्थित रजिस्टर में दर्ज 163 के सापेक्ष 127 बच्चे मौजूद थे। उन्होंने बच्चों से सवाल भी लगवाए। इस दौरान ग्राम प्रधान अभिषेक यादव, पारुल वर्मा सहायक अध्यापक, प्रियंका वर्मा सहायक अध्यापक स्कूल बेहतर मिलने पर उत्साह बढ़ाया। उन्होंने अन्य विद्यालयों में भी कायाकल्प सहित अन्य अभिलेखों का निरीक्षण कर विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। शिक्षण कार्य में लापरवाही पर कार्रवाई। जैतापुर में काफी समय से अनुपस्थित चल रही शिक्षिका अनुपम यादव और शिक्षण कार्य में लापरवाही बरत रहे शिक्षक रवि यादव को निलंबित कर दिया। दोनों की काफ़ी शिकायतें थीं। चंदना राम इकबाल, BSA। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।